रामचरितमानस की लोकप्रिय चौपाइयों का अर्थ और उससे संबंधित कथा जानने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हमारे संस्कार। जय श्री राम। रामचरितमानस प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न है। रामचरितमानस की चौपाइयां प्रत्येक भारतीय नित्य कहते और सुनते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको रामचरितमानस की चौपाइयों के बारे में बताएंगे। यह चौपाई किसने कही, किससे कही, क्यों कही, इसकी कथा भी विस्तार से समझाएंगे। यदि हमसे कुछ त्रुटि होती हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। तो आज की चौपाई है मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, विनही विचार करही शुभ जानी। यह चौपाई बालकांड में शिव पार्वती विवाह का वर्णन करते समय कही गई है। पहले एपिसोड में हमने देखा कि माता पार्वती नारद जी के वचनों को सत्य मानकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने के लिए जाती हैं। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी भी उनको वर देते हैं कि तुम्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे। इधर भगवान शिव माता सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान श्री राम के भजन में लीन रहते हैं। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं और कहीं श्री राम कथा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार शिव जी अपना ध्यान तपस्या और श्री राम भजन में व्यतीत कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने जब उनकी अटल भक्ति को देखा तो कृपालु प्रभु प्रकट हुए और उनकी सराहना करते हुए बोले कि माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया है और उन्होंने आपसे विवाह के लिए बहुत कठिन व्रत रखा है। अतः हे शिव जी, यदि आप मुझसे स्नेह करते हैं तो मेरी विनती है कि आप जरूर पार्वती से विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि ऐसा संभव नहीं है पर स्वामी की बात भी नहीं मिटी जाती, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य कर उसका पालन करूंगा। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी। कहते हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। और फिर आप तो सब प्रकार मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और बोले कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसको हृदय में रखना। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव ने भी वह बात अपने हृदय में रख ली। उसी समय वहां सप्तऋषि आए। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुलाकर उनको माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने किस प्रकार माता पार्वती की परीक्षा ली यह हम शिव पार्वती विवाह के अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।